गुरु जी राधे राधे। मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ। मैं आपकी कथा एक साल से सुन रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक साल से पहले मैं जॉब करती थी और मुझे किसी भी बाबा साधु की कथा अच्छी नहीं लगती थी। जब से आप बठिंडा आए हैं, आपके ही मैंने सुना था और मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सुना के लाओ। ऐसी फैन होगी कि बस 7 दिन पूरी कथा सुनी और 1 साल हो गया कथा सुनते, और इतना परिवर्तन हुआ है मेरी लाइफ में। मेरे खुद में बहुत परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जड़ थी, बिल्कुल भी भक्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब लड्डू गोपाल भी ले गई हूँ और सारा दिन मेरा दिल करता है कि आपकी कथा ही सुनती रहूँ। जो मेरा मोबाइल है ना, बस जो मेरे रिश्तेदार देखते हैं वो कहते तेरे मोबाइल में बस अनिरुद्धाचार्य के बिना और कुछ है ही नहीं है। जब मैं भजन सुनती हूँ, बोल के कहती हूँ ना कि भजन सुनने, तो मैं बोल के बोलती हूँ कि ये भजन बाय अनिरुद्धाचार्य। मुझे और किसी की कथा भजन अच्छा ही नहीं लगता। बस जैसे आज आए थे, दूसरे गुरु जी आए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब ऐसे लगता है कि बस आप ही हैं, जो कुछ है कथा सुनाते आप ही हैं। और एक मैं बात पूछनी थी आपसे। जब मैं पिछले साल आई थी तो लड्डू गोपाल लेके गई थी, उसके अगले दिन ही आप मेरे सपन में आए और आप मेरे घर में आए, तो मैंने आपको बस कहा कि गुरु जी आए हैं। तो आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे कितने दिन रखोगी। मैंने आपसे बोला सपने में कि बस एक टाइम का खाना ही खिलाऊंगी। तो आपने मुझे बोला कि पूरे दिन रख के तो देखो, तो इसका क्या मतलब है। तो भाई अब हम आपके यहाँ जाएंगे तो एक ही टाइम खवाओगे खाना, हम तो दो बार खाते हैं। पता नहीं, ये तो सपने की बात है। हाँ, तो इसलिए हमने कहा भाई दोनों टाइम देना। इसलिए आप कभी आना हमारे घर, जरूर आएंगे, दोनों टाइम का रखना फिर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न था। जैसे ये बिदर जी थे, उनका फादर एक ही था। किनका? बिदर जी, बिदर, धृतराष्ट्र और पांडु। हाँ, धृतराष्ट्र पांडु के जी। हाँ जी, तीनों का एक ही फादर थे ना, तो उनके पास उनके उनके साथ इतना पक्षपात क्यों हुआ? किसके साथ? बिदर जी को अपना भाई क्यों नहीं माना उन्होंने? नहीं, बिदर जी को धृतराष्ट्र और पांडु ने तो भाई ही माना। युधिष्ठिर जी तो चाचा चाचा काका काका ही कहते। वैसे दासी पुत्र ही कह के बुलाते नहीं थे। वो तो हम समाज में लोग ये बताते हैं कि दासी पुत्र हैं, परंतु उन्हें दर्जा तो मिला था पूरा। अब दुष्ट दुर्योधन है, वो तो अपने बाप को नहीं मानता तो काका को क्या मानेगा, पर बिदर जी युधिष्ठिर जी मानते थे। मतलब उन जैसे दोनों को मिला था उतना सम्मान नहीं मिला। नहीं, सबको मिला था। उनका जो बनता था शेयर वगैरह वो भी नहीं मिला। नहीं, उस समय पर शेयर केवल राजा का होता था। अच्छा। सिर्फ राजा होता था, राजा फिर सबको रखता। बिदुर जी को महलों में सारी व्यवस्थाएं दे रखी थी। अच्छा। हाँ जी, एक प्रश्न और था। आपने कथा में बताया था कि राम जी को साकेत मिला और विष्णु जी को बैकुंठ मिला और कृष्ण जी को गोलोक। कृष्ण जी और जो विष्णु हैं, ये वैसे तो सारे आप कहते हैं कि भगवान एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी रामचंद्र, लेकिन ये विष्णु और कृष्ण तो एक ही भगवान है ना, तो फिर इनके धाम अलग अलग क्यों हुए? भाई इस रूप में जब कोई आएगा तो इस रूप में यहाँ मिलेंगे। अब जैसे देखिए, अभी हम आपको इस रूप में भागवत जी सुनाने के रूप में वहाँ थे, अब प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ हैं और मिलने के रूप में अंदर बैठेंगे। तो हम ही एक है ना, पर 3 जगह मिलते हैं आपसे। एक जगह कथा सुनाने के रूप में, एक जगह प्रश्न। अब जब कथा सुनाते हैं तब आपसे हम प्रश्नोत्तरी नहीं करते, और जब प्रश्नोत्तरी करते हैं तो कथा नहीं सुनाते, और जब मिलते हैं तो ना प्रश्नोत्तरी करते हैं ना कथा सुनाते, केवल मिलते हैं। तो 3 जगह हो गई। उसी तरह एक रूप में भगवान राम, एक रूप में कृष्ण, एक रूप में अलग अलग। एक मिनट गुरु जी, मतलब मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा कम मानते थे, आज वो मेरे को लेके आए यहाँ पे कथा सुना। खुश रहिए, ये मेरे को लेके आए हैं। तो आप भी सुनते हैं कथा? पूरी कथा नहीं सुनते, लेकिन थोड़ी बहुत सुनते हैं। आज मेरे भाव को देख के द्वारा मुझे लेके आए हैं। पहले तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी, आज मुझे खुद लेके आए हैं। खुश रहिए, इनको आशीर्वाद दे कि इनको भी पूरा लगन हो जाए मेरे जी। प्रसन्न रहिए। राधे राधे। राधे राधे।